हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोग्लिया। सो नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से बना है, एक है न्यूरॉन और एक है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है जो कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाता है एंड फंक्शंस न्यूरॉन्स ही परफॉर्म करते हैं। न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। सो न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम न्यूरोग्लिया के बारे में पढ़ेंगे। सो न्यूरो का मतलब क्या है? न्यूरॉन। एंड ग्लिया का मतलब क्या है? ग्लू। सो नेम से क्लियर है, न्यूरॉन और ग्लू। सो न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को ग्लू प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनको उनकी पोजीशन पर फिक्स या फिर होल्ड करके रखते हैं, यानी कि न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए इसका नाम है न्यूरोग्लिया, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको न्यूरोग्लिया कहा गया है। नॉन एक्साइटेबल, डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स के जैसे ये एक्साइटेबल नहीं होते। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं, वो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं एंड उनको ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन न्यूरोग्लिया में ऐसी क्वालिटी नहीं होती, ये नॉन एक्साइटेबल होते हैं। प्लस न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता। बट न्यूरोग्लिया में क्या है? न्यूरोग्लिया थ्रू आउट द लाइफ रेप्लिकेट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। सो इसलिए क्योंकि ये न्यूरॉन से अलग हैं लेकिन न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको नॉन न्यूरोनल सेल्स भी कहा गया है। क्योंकि ये न्यूरॉन जैसे नहीं है, इसलिए इनको नॉन न्यूरोनल सेल्स बोला गया है, या फिर ग्लियल सेल्स इनको बोलते हैं। ग्लियल इसलिए क्योंकि ये ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट और होल्ड करके रखता है उनकी पोजिशन पे। अब नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स इज 10 टाइम ग्रेटर देन न्यूरॉन्स। पहले की जो स्टडी थी उसमें ऐसा शो किया गया था कि जो ग्लियल सेल्स है उसका नंबर न्यूरॉन से 10 गुना ज़्यादा होता है, 10 टाइम्स ग्रेटर। अगर एक न्यूरॉन है तो ग्लियल सेल्स का नंबर 10 होगा। बट रीसेंट स्टडी में क्या शो हुआ है कि जो ग्लियल सेल्स है इनका नंबर क्या है? लेस देन 1:1। अगर हो सकता है कि अगर 1 न्यूरॉन है तो 1 ही ग्लियल सेल्स हो, या फिर कई जगह पर ऐसे है कि ब्रेन के कई स्ट्रक्चर्स में ऐसे है कि न्यूरोग्लिया का जो नंबर है वो न्यूरॉन से भी कम है। सो ये जो स्टडी है ये अभी क्लियर नहीं है, इसलिए हम जो एग्जैक्ट नंबर है वो नहीं बता सकते न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया का। हालांकि जो अभी स्टडी चल रही है उसमें ऐसा कहा गया है कि जो न्यूरोग्लिया है अगर उनका नंबर 85 बिलियन सेल्स है तो न्यूरॉन्स का भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स एंड न्यूरॉन्स। अब हम पढ़ते हैं मेन फंक्शन ऑफ ग्लियल सेल्स। सो ग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लिया या नॉन न्यूरोनल सेल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं नर्वस सिस्टम में। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका? फॉर्म माइलिन शीथ। सो माइलिन शीथ हमारे न्यूरॉन में या नर्व्स में प्रेजेंट होती हैं। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ये सेल बॉडी, सेंटर में जो लॉन्ग स्टॉक है ये है एक्सॉन, एंड ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। सो एक्सॉन के साइड में एक माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ एक इंसुलेटिंग शीथ होती है। इसका काम क्या होता है? एक्सॉन में जो न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होती हैं उसको फास्ट ट्रांसफर करने में, जल्दी से ट्रांसफर करने में पूरे न्यूरॉन में माइलिन शीथ हेल्प करती है। सो जो हमारा न्यूरोग्लिया है ये माइलिन शीथ को बनाने में हेल्प करता है। सो माइलिन शीथ जो न्यूरॉन में साइड में प्रेजेंट होती है एक्सॉन में, उसको बनाने का काम कौन करता है? न्यूरोग्लिया। सो न्यूरोग्लिया में भी कौन से सेल्स? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया होते हैं। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मेनली माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकेंड फंक्शन क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन। सो न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि न्यूरॉन कैसे हैं? न्यूरोग्लिया में ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि बीच बीच में, लाइक न्यूरोग्लिया क्या है? स्कैटर्ड है, और बीच बीच में क्या है? न्यूरॉन है। सो न्यूरॉन को न्यूट्रिशन भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यूरोग्लिया, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी। थर्ड फंक्शन है डिस्ट्रॉय पैथोजन। पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो जो न्यूरोग्लिया है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है पैथोजन्स को। इट मींस वो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। सो इसमें कौन से मेनली सेल्स? जो माइक्रोग्लिया सेल्स है वो हेल्प करते हैं। देन अ प्रोवाइड अ सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑन विच न्यूरॉन्स कैन सिट। ये हमने पहले ही पढ़ा कि सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स का, एक
एक तरह से न्यूरॉन्स को अपनी पोजीशन पर होल्ड रखता है ताकि वो वहीं पर फिक्स रहे, ऑन विच न्यूरॉन्स कैन सिट। सो उसके ऊपर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है जो हमारे नर्वस सिस्टम का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बैलेंस रहे। उसके लिए भी ग्लियल सेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी मेंटेन करके रखते हैं। प्ले रोल इन सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जब मैसेज ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। सो सिनेप्स में भी जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, हेल्प करते हैं। तो इसमें मेन सेल कौन सा है, एस्ट्रोसाइट्स, इसमें हेल्प करता है। रिपेयर ऑफ न्यूरॉन्स आफ्टर इंजरी, सो जब न्यूरॉन्स को इंजरी हो जाती है तो उसमें रिपेयर का काम भी करते हैं न्यूरोग्लिया। सो इसमें मेनली श्वान सेल्स हेल्प करते हैं। सो टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स कौन कौन से होते हैं, सो हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है। सो पूरे नर्वस सिस्टम में ये स्कैटर्ड है। सो उसके अकॉर्डिंग इनके क्लासिफिकेशन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स, एंड जो PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स। सो सबसे पहले हम CNS में जो प्रेजेंट्स हैं उनके टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड माइक्रोग्लिया एंड फोर्थ है एपेंडिमल सेल्स। सो ये सेल्स CNS में प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरोग्लियल प्रेजेंट है, श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। सो ये सब डिफरेंट टाइप्स हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है वो है एस्ट्रोसाइट्स। सो जो एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोग्लिया सेल्स हैं ये स्टार शेप होते हैं। एस्ट्रो का मीन स्टार और साइट्स का मीन सेल, सो इसलिए ये स्टार शेप होते हैं। ये है एस्ट्रोसाइट्स जो कि मैंने ग्रीन कलर से शो किए हैं। सो ये स्टार शेप सेल्स होते हैं इसलिए इनको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल्स है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होते हैं। मेन सपोर्टिंग टिश्यू है, मेन सबसे मेन जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उसमें यही मेन सपोर्टिंग टिश्यू है। हैज़ फाइन ब्रांचिंग, अब इसकी फाइन ब्रांचिंग है, इसकी ब्रांचिंग ऐसी है जैसे न्यूरॉन में डेंड्राइट्स की ब्रांचिंग होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। सो ये फाइन ब्रांचेस है इसकी जिसको बोलते हैं प्रोसेसेस। सो इन प्रोसेसेस के फ्री एंड पे क्या होता है, स्मॉल स्वेलिंग होती है। सो ये जो प्रोसेसेस या ब्रांचेस हैं इनके फ्री एंड पे यहाँ पर स्मॉल सी स्वेलिंग सी है जिसको बोलते हैं फूड प्रोसेसेस। सो इन फूड प्रोसेसेस का क्या काम है, फाउंड इन लार्ज नंबर एडजेसेंट टू ब्लड वेसल्स विद देयर फूड प्रोसेसेस लाइक अ स्लीव अराउंड देम। अब जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल्स हैं, सो ब्लड वेसल्स के आसपास ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये जो एस्ट्रोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस हैं ये ब्लड वेसल्स को ऐसे कवर कर लेती हैं। सो इनको कवर करने से क्या ये बनाती है, एक टाइट जंक्शन बना लेती है ब्लड वेसल के ऊपर, ऐसे कवर होकर एक बिल्कुल टाइट सील जैसा बना लेती है, जंक्शन जैसा। ये एस्ट्रोसाइट सेल्स, इनके जो फूड प्रोसेसेस हैं वो इसके साथ एक तरह से चिपक जाते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूरॉन्स बाय कैपिलरी वॉल एंड एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस। अब न्यूरॉन के बीच में क्या आ रहा है, एक तो ब्लड वेसल के साथ न्यूरॉन कैसे सेपरेटेड है, एक तो ब्लड वेसल की वॉल हो गई यानी कैपिलरी वॉल जो कि न्यूरॉन्स के बीच में आ गई, प्लस एस्ट्रोसाइट्स बीच में आ गए। सो एस्ट्रोसाइट के फूड प्रोसेसेस और ब्लड कैपिलरी की जो वॉल है ये दोनों न्यूरॉन्स को सेपरेट करती है। सो न्यूरॉन्स के बीच में ब्लड और न्यूरॉन के बीच में क्या आ रहा है, एक तो ब्लड कैपिलरी की वॉल और एक एस्ट्रोसाइट्स। सो ये जो बैरियर बन गया है न्यूरॉन और ब्लड के बीच में इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ये एक तरह का मेम्ब्रेन है जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अंदर ब्रेन में पास होने देता है, कुछ को नहीं होने देता। तो एक ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको पास नहीं होने देता ब्रेन में, और जो इम्पॉर्टेंट या न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको पास होने देता है ब्रेन में, बाकी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये अलाउ नहीं करता उन सब्सटेंसेस को पास होने के लिए। सो एक तरह से ये बैरियर है ब्रेन के बीच में और ब्लड के बीच में जो कि कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देता है और कुछ को पास नहीं होने देता। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर किससे बनता है कि एक एस्ट्रोसाइट की फूड प्रोसेसेस से एंड ब्लड कैपिलरी की वॉल से। अब दो टाइप के एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल्स और एक होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट सेल। सो फाइब्रस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वाइट मैटर में। इनका काम क्या होता है,
कि जो फाइब्रस है इनके जो प्रोसेसेस हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं इनकी, ये सिनेप्स को कवर करते हैं। अब सिनेप्स क्या है, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है तो उसके बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको सिनेप्स कहते हैं। सो ये सिनेप्स को कवर करती है, इनकी फूड प्रोसेसेस किसकी, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स की। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिनेप्स को इधर की फूड प्रोसेसेस कवर कर रही हैं, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी यही बनाते हैं फाइब्रस वाले। अब प्रोटोप्लाज्मिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर में। वैसे प्रोटोप्लाज्मिक भी फंक्शन सिमिलर ही है, लेकिन फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंस है, यानी साइज, शेप और स्ट्रक्चर फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक दोनों का डिफरेंट है। अब फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं एस्ट्रोसाइट सेल, सबसे पहले सपोर्टिंग नेटवर्क है ब्रेन का, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट है, तो ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड है फॉर्म बीबीबी, बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी एस्ट्रोसाइट्स बना रहे हैं। मेंटेन केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है साइट्स में प्रेजेंट नर्वस सिस्टम में, वहां पर केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। जो पोटेशियम आयन एक्सेस वहां पर प्रेजेंट होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का केमिकल एनवायरनमेंट यानी होमियोस्टेसिस मेंटेन करके चलते हैं। लास्ट है रिसाइकिल न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये क्योंकि सिनेप्स को भी कवर कर रहे हैं इनके फूड प्रोसेसेस, तो वहां पर क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बातचीत या फिर कम्युनिकेशन का काम करता है। सो न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह के केमिकल्स हैं, उनको रिसाइकिल करने का काम भी क्या करता है एस्ट्रोसाइट। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड न्यूरोग्लियल सेल्स है उसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का साइज जो है वो एस्ट्रोसाइट से स्मॉलर होता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट सेल सबसे बड़े हैं। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स है, इनका जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस है वो ऐसे दिखती है, मॉर्फोलॉजी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की ऐसे दिखती है। इसके जो ब्रांचेस होती हैं वो कम होती हैं एस्ट्रोसाइट से एंड शॉर्ट होती हैं। फाउंड इन क्लस्टर्स अलोंग द लेंथ ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो इसका काम क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, कि ये जो न्यूरॉन का एक्सोन होता है, एक्सोन के पास माइलिनेटेड शीट होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं, वो इंसुलेटिंग शीट होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जल्दी से न्यूरॉन में पास होने का काम करती है। सो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है इनके जो प्रोसेसेस यानी जो ब्रांचेस हैं वो माइलिनेटेड शीट बनाती हैं। सो माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये साइड्स में प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ये एक्सोन में माइलिनेटेड शीट बनाते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी जो प्रोसेसेस होती है मैंने पहले बताया, ब्रांचेस शॉर्ट होती हैं और कम होती हैं। ये नेटवर्क बनाता है एक न्यूरोग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सो इसलिए ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को जस्ट लाइक एस्ट्रोसाइट्स। देन आता है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लियल सेल्स ऐसे नजर आते हैं, इनके जो ब्रांचेस होती हैं या प्रोसेसेस होती हैं बहुत ज़्यादा ब्रांच होती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो है माइक्रोग्लिया। सो माइक्रोग्लियल आर द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, जो मोनोसाइट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। मोनोसाइट्स एक तरह का WBCs का टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का, जो कि फैगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर लेता है। सो ये मोनोसाइट से ही डिराइव हुए हैं, ये ब्लड से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं, वहाँ जाकर ये माइक्रोग्लियल बन जाते हैं। मैक्रोफेजेस ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस यानी जो फैगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी जो कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है ब्रेन में तो उसको एंगल्फ कर लेते हैं और किल कर देते हैं। सो ये मैक्रोफेजेस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और फैगोसाइटोसिस एक्शन परफॉर्म करते हैं। न्यूरोग्लियल रिपेयर, माइक्रोग्लिया क्या करते हैं, रिपेयर का काम भी करते हैं। अगर कोई भी सेल डैमेज हो गया है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूरॉन डैमेज हो गया है, तो ये उसमें रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। प्लस जो भी सेलुलर डेब्रिस जब फाइट होती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ माइक्रोग्लिया की, तो उस टाइम सेलुलर डेब्रिस जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम भी माइक्रोग्लिया ही करता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो एस्ट्रोसाइट्स है वो भी न्यूरॉन अगर कहीं से डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने का काम मेन जो है एस्ट्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परफॉर्म करता है।
सो दिस इज अबाउट माइक्रोग्लिया. नेक्स्ट है एपेंडिमल सेल्स. सो एपेंडिमल सेल्स इस तरह के दिखते हैं. सो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसको बनाते हैं. इनमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं एपेंडिमल सेल्स में. सो ये कहाँ कहाँ की एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं? एक तो वेंट्रिकल्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, प्लस स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंट्रल कैनाल है वहां पर एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं एपेंडिमल सेल्स, प्लस इनमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. दोज फॉर्म कोरोइड प्लेक्सस सीक्रेट सीएसएफ. सो वेंट्रिकल्स में जो थर्ड वेंट्रिकल है वहां से कोरोइड प्लेक्सस बनता है. सो एपेंडिमल सेल्स वहां पर कोरोइड प्लेक्सस बनाते हैं, कोरोइड प्लेक्सस की लाइनिंग यानी एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं. सो जो कोरोइड प्लेक्सस में इन्वॉल्व है एपेंडिमल सेल्स, वो क्या सिक्रीट करते हैं? सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है? एक तरह से नरिशमेंट का काम करता है, प्लस हमारा जो प्रेशर है ब्रेन का वो भी मेंटेन करके रखता है. सो क्योंकि ये एपेंडिमल सेल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी सिक्रीट करते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं? ब्लड सीएसएफ बैरियर, यानी ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में एक बैरियर का काम करते हैं, क्योंकि एपेंडिमल सेल्स वहाँ पर एपिथेलियल लाइनिंग बना रहे हैं सीएसएफ में और ब्लड के बीच में. सो ये थे हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स. अब है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल्स. सो फर्स्ट सेल्स है श्वान सेल्स. श्वान सेल्स क्या है? पीएनएस के मेजर सबसे बड़े ग्लियल सेल्स हैं. फॉर्म माइलिनेटेड अराउंड नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस. सो जो पीएनएस के नर्व फाइबर्स हैं यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, वहाँ की माइलिनेशन, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेटेड शीथ बना रहे थे, ऐसे ही श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व न्यूरॉन्स है वहाँ की माइलिनेटेड शीथ बनाते हैं. इनका जो शेप है वो कुछ ऐसा लगता है. और क्या इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व रीजनरेशन? सो श्वान सेल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नर्व या न्यूरॉन को रिपेयर करने का, नर्व रीजनरेशन का. सो इंपॉर्टेंट रोल है श्वान सेल का नर्व्स को रिपेयर करने में. देन है रिमूव सेलुलर डेब्रिज बाय फैगोसाइटिक एक्टिविटी. श्वान सेल्स भी फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं मैक्रोफेजेस जैसे. सो श्वान सेल्स पीएनएस के न्यूरॉन्स में क्या करते हैं कि जो भी सेलुलर डेब्रिज मीन्स वहाँ पर जो भी वेस्ट प्रेजेंट होता है सेल का, उसको फैगोसाइटिक एक्टिविटी के थ्रू रिमूव कर देते हैं. देन है सैटेलाइट सेल्स. सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं? सैटेलाइट सेल्स भी पीएनएस के ही सेल्स हैं. सो ये श्वान सेल से छोटे हैं और इनका जो शेप है वो सैटेलाइट जैसा लगता है, इसलिए इनको सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं. फॉर्म एक्सटीरियर सरफेस ऑफ पीएनएस न्यूरॉन. सो जो पीएनएस के न्यूरॉन होते हैं उनके आउटसाइड यानी एक्सटीरियर सरफेस पर ये प्रेजेंट रहते हैं सेल्स. ये क्या करते हैं? फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को, प्लस ये जो केमिकल इन्वायरमेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, उसको भी मेंटेन करके चलते हैं. यानी जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके चलते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का क्या मतलब है? जहाँ वहाँ पर जो एक्सेस पोटेशियम आयन है उसको रिमूव करने का काम करते हैं सैटेलाइट सेल्स. अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.